मायसेल्फ प्रोफेसर डॉक्टर दीपक सिंह ए लाइट साइंस स्पेशलिस्ट। आज एक टॉपिक डील कर रहे हैं जो मोस्ट कॉमन टॉपिक्स डिसऑर्डर से ही है, लाइपोमा। लाइपोमा क्या है? जैसा वर्ड में लिखा हुआ है लाइपो एंड ओमा। लाइपो का मतलब होता है लिपिड, लिपिड, और ओमा का मतलब होता है बेनाइन ट्यूमर, बेनाइन ट्यूमर। यानी लिपिड वाले टिश्यू में, लिपिड वाले टिश्यू में जब बेनाइन ट्यूमर होता है तो उसको बोलते हैं लाइपोमा। तब लिपिड वाला टिश्यू कौन सा होता है? तो देखिए, ऐसे हम जानते हैं कि हमारे बॉडी में चार वैरायटी के टिश्यू होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू। तो जो यहाँ पर जो बात जिक्र हो रही है वो कनेक्टिव टिश्यू के बारे में हो रही है। हम जानते हैं कनेक्टिव टिश्यू में एक वैरायटी होते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू, है ना, लूज कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू जो कि जिसमें आपको फाइब्रस टिश्यू मिलेंगे और एडिपोज टिश्यू मिलेंगे। अब बात यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं एडिपोज टिश्यू के बारे में, यानी आप क्लियर बात समझ में आ जाएगा कि एडिपोज टिश्यू जिसको हम बोलते हैं फैट टिश्यू बोलते हैं, तो एडिपोज टिश्यू में जब बेनाइन ट्यूमर हो जाता है तो उसको हम लाइपोमा बोलते हैं। यानी लाइपोमा इज ए टाइप ऑफ बेनाइन ट्यूमर डेवलप इन एडिपोज टिश्यू एंड लूज कनेक्टिव टिश्यू बोल सकते हैं। तो एडिपोज टिश्यू क्या है पहले वो जान लेते हैं। जैसा आप जानते होंगे हर सेल का अपना अपना फंक्शन है, तो एडिपोज टिश्यू जो होता है ये हमारे बॉडी में कहाँ रहता है पहले ये भी जान लें। तो एडिपोज टिश्यू हम लोग के स्किन के अंदर होता है, डर्मिस के और मसल्स के बीच का लेयर होता है जिसको सबक्यूटेनियस बोलते हैं। दूसरा, ये एडिपोज टिश्यू बोन मैरो में जो सैक्ट होता है ना, येल्लो बोन मैरो, उसमें होता है एडिपोज टिश्यू। तीसरा, विसरा के अराउंड में जो शॉक ऑब्जर्वर का काम करता है। तो ये एडिपोज टिश्यू तीन जगह मेनली आपको बॉडी में मिलते हैं, जो उसके बाद बाकी छोटे छोटे एरिया में और भी ज़्यादा मिल जाएंगे, लेकिन तीन एरिया मिलता है विसरा के अराउंड में, दूसरा आपको बोन मैरो के अंदर और तीसरा आपको बोलते हैं स्किन के अंदर। तो एपिडर्मिस, डर्मिस और उसके नीचे होता है एडिपोज टिश्यू। चलिए यहाँ तो समझ में आ गया कहाँ रहता है। दूसरी बात है कि ये जो एडिपोज टिश्यू होता है, एडिपोज टिश्यू का फंक्शन क्या है? ये काम करता है ग्लूकोज को और फैट को मेटाबोलाइज के लिए। यानी एडिपोज टिश्यू का फंक्शन दो है, एक फैट का मेटाबोलाइज करना और दूसरा ग्लूकोज का मेटाबोलाइज करना। तो पहले ग्लूकोज की बात करते हैं कि जब ग्लूकोज हम लेते हैं तो ग्लूकोज हमारे एडिपोज टिश्यू में इंटर करता है। कौन इंटर कराता है इसको? इंसुलिन। तो ग्लूकोज का काम क्या है? एटीपी पर फॉर्मेशन करना। तो जब ग्लूकोज जाता है एडिपोज टिश्यू में तो इससे एटीपी बनता है, लेकिन अगर जरूरत से ज़्यादा ग्लूकोज चला जाएगा तो यहाँ पर जाकर के ये ग्लूकोज जो होता है ना, पहले एसिटाइल कोएंजाइम ये बनेगा और उसके बाद ये फैटी एसिड में कन्वर्ट करेगा, अब बाद में जाकर ट्राइग्लिसराइड बनेगा, है ना। तो ग्लूकोज क्या होगा, सेल में अगर जरूरत से ज़्यादा चला जाता है एडिपोज सेल में, तो जरूरत से ज़्यादा जाने पर क्या होगा कि ये पहले एसिटाइल कोएंजाइम ये बनता है, फिर यह फैटी एसिड बनता है और फिर ट्राइग्लिसराइड बनता है। इस तरह से क्या होता है कि एडिपोज टिश्यू फैट को स्टोर करता है। ट्राइग्लिसराइड को क्या बोलते हैं? स्टोरेज फैट कहते हैं। तो इस तरह से क्या है ना कि बहुत सारे एडिपोज टिश्यू एडिपोज साइट सेल मिल करके और तब एडिपोज टिश्यू का फॉर्मेशन करता है, है ना। तो यह होगी आपका एडिपोज टिश्यू, यह इसको बोलते हैं एडिपोज टिश्यू। अब बात करते हैं हम लोग कि यह इसके अंदर तो काम समझ में आ गया, काम क्या हो गया इसका कि फैट प्लस कार्बोहाइड्रेट को मेटाबोलाइज करता है। अच्छा, दूसरी चीज़ है, जो हम फैट लेते हैं ना, वह फैट भी कहाँ पहुँचता है? एडिपोज टिश्यू में पहुँचता है, ट्राइग्लिसराइड में स्टोर होता है। यहाँ पे लाने का काम कौन करता है? एडिपोज टिश्यू में फैट को ढोने का काम करता है एलडीएल कोलेस्ट्रॉल और वीएलडीएल कोलेस्ट्रॉल, याद रखना होगा। और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल का काम क्या होता है कि यहाँ से लीवर तक लेके जाता है, लेकिन एडिपोज टिश्यू में फैट लाने का काम दो कोलेस्ट्रॉल का होता है, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का, वीएलडीएल कोलेस्ट्रॉल का, जहाँ पे स्टोर होता है वहाँ पे फैट का। चलिए अब बात करते हैं इसका फंक्शन क्या है। तो एडिपोज टिश्यू में जो फैट रहता है स्टोर, यह क्या करता है, जरूरत पड़ने पे यह फैट को वहाँ से रिलीज करता है, जिसके वजह से मेरे बॉडी में एनर्जी मिलते रहता है जरूरत के हिसाब से।
दूसरी फंक्शन इसका क्या है कि यार शॉक ऑब्जर्वर का काम करता है, या इंजुरी से प्रोटेक्शन करता है, ये टेम्परेचर को बैलेंस करता है, टेम्परेचर हीट को ना ऑब्जर्व होने देता है बॉडी में, ना हीट को लॉस होने देता है, यानी बहुत अच्छा फंक्शन है एडिपोज टिश्यू का। ये फैट को भी हीट को मेंटेन करता है, स्किन को मॉइस्ट करता है, स्किन को मॉइस्ट करने का काम करता है। तो एडिपोज टिश्यू का कई फंक्शन है, एनर्जी स्टोरेज से लेकर के और प्लस शॉक ऑब्जर्वर से लेकर के और स्किन को मॉइस्ट करने का काम, प्रोटेक्शन का काम करने का काम, इंजुरी से प्रोटेक्ट करने का काम, ये सब मेरा एडिपोज टिश्यू का फंक्शन होता है। लेकिन किसी कारण से जब इसी में जब एक्स्ट्रा जब सेल का नंबर बढ़ जाता है, एक्सेस सेल का अमाउंट जब बढ़ जाता है, तो उस कंडीशन में डेवलप होता है लाइपोमा। तो ये लाइपोमा भी दो वेराइटीज के होते हैं, एक होता है ट्रू लाइपोमा, एक होता है फॉल्स लाइपोमा। ट्रू लाइपोमा किसको बोलते हैं, ट्रू लाइपोमा में रियल में जो एडिपोज सेल का नंबर है, ये न सेल का नंबर बढ़ता है। ट्रू लाइपोमा में जो रियल में सेल का नंबर बढ़ता है उसको हम बोलते हैं ट्रू लाइपोमा, जो सबसे ज्यादा मरीज यही होता है। दूसरा होता है फॉल्स लाइपोमा। फॉल्स लाइपोमा में क्या होता है कि अनयूजुअल कुछ फैट जो होता है, अनयूजुअल फैट कुछ जो होता है एडिपोज टिश्यू में जाके जमा हो जाता है, इसमें रियल में सेल नहीं मिलता है, इसमें कुछ खराब फैट मिलते हैं, जैसे कि काइलोमाइक्रोन मिलेगा, VLDL मिलेंगे, LDL मिलेंगे, ट्राइग्लिसराइड मिलते हैं, तो सेल के अराउंड में क्या होता है वह जमा हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन को बोलते हैं हम लोग फॉल्स लाइपोमा बोलते हैं। लेकिन बात यहाँ पे ट्रू लाइपोमा के बारे में बात कर रहे हैं मेनली, तो ये हो गया ट्रू लाइपोमा। बात करते हैं इसके टाइप के बारे में। ये जो लाइपोमा होता है कुछ वेराइटीज के होते हैं, जैसे कुछ लाइपोमा जो होता है वो ब्लड वेसल के साथ अटैच रहता है, इसको एंजियोलाइपोमा बोलते हैं। कुछ लाइपोमा जो होता है मसल के साथ अटैच रहता है, इसको मायोलाइपोमा बोलते हैं। कुछ लाइपोमा नर्व फाइबर के साथ अटैच रहता है, इसको न्यूरोलाइपोमा बोलते हैं। कुछ फाइब्रस टिश्यू के साथ अटैच रहता है, उसको फाइब्रोलाइपोमा बोलते हैं। कुछ फ्री फॉर्म में होते हैं, उसको लियोमॉर्फिक लाइपोमा बोलते हैं। तो इस तरह से लाइपोमा भी आपको अलग अलग वेराइटीज के लाइपोमा मिलते हैं। अब बात करते हैं इसके कारण पे, इसका कारण क्या है। देखिए एग्जैक्ट कॉज तो पता नहीं चलता है कि क्यों होता है लाइपोमा, लेकिन ये लाइपोमा का कुछ फैक्टर दिया गया है जो कुछ कॉज हो सकता है। जैसे सबसे पहला मेडी लंग डिजीज होता है। तो मेडलंग डिजीज में क्या होता है, मेडलंग डिजीज में अल्कोहल ज़्यादा लेने वाले लोगों को क्या होता है कि एडिपोज टिश्यू होने का खतरा होता है। दूसरा क्या होता है कि जो लोग ज़्यादा कंस्टिपेशन में रहते हैं उन लोगों को भी ये लाइपोमा का खतरा रहता है। तीसरा जो फाइबर डाइट कम खाते हैं उनको भी ये लाइपोमा होता है ज़्यादा। तो फाइबर डाइट कम होने से, फैट डाइट लेने से, या फिर एक्सेस ये फास्ट फूड लेने के कारण, अल्कोहल यूज करने के कारण, स्ट्रेसफुल लाइफ रहने के कारण, स्मोकिंग के कारण जो लाइपोमा होता है वो सबको बोलते हैं मेडलंग डिजीज बोलते हैं। तो ये तो जनरली ठीक हो जाता है, इसी मेडलंग डिजीज में कभी कभी फॉल्स लाइपोमा भी देखने को मिलता है। दूसरा होता है हेरिडिटरी लाइपोमा। हेरिडिटरी लाइपोमा जो होता है वो जेनेटिकल होता है ना, जेनेटिकल होता है। उसमें क्या होता है कि जीन के कारण जो होता है वो जनरली सेल का नंबर वहाँ बढ़ जाता है। तीसरे नंबर पर होता है गार्डनल लाइपोमा। गार्डनल लाइपोमा को जो पता नहीं चलता है कि क्यों होता है, ये इडियोपैथिक होता है, लेकिन इसमें भी जो होता है ये डेवलप हो जाता है गार्डनल लाइपोमा, ये भी लाइपोमा होता है। अगला होता है डरहम्स डिजीज, डरकम्स बोलते हैं। तो डरकम्स डिजीज बोलते हैं, डरकम्स डिजीज में क्या होता है कि जो अनयूजुअल इसमें जीन के कारण होता है, या फेमिलियल बोलते हैं इसको डरकम्स में, तो इसके कारण भी क्या होता है कि लाइपोमा डेवलप होता है। तो लाइपोमा होने का ये सब कुछ अलग फैक्टर होते हैं, कुछ कारण होते हैं। अब बात करते हैं इसका एज। तो लाइपोमा जो होता है मोस्टली जो होता है डेवलप होता है 40 से लेकर 50 साल की एज में ज़्यादा मिलते हैं, लेकिन अभी कभी कभी अभी हम लोग देख रहे हैं कि 20 से 30 साल के भी लोगों को देखते हैं हम लोग, और ऐसे होने को तो कभी हो सकता है लाइपोमा, लेकिन ये जो होता है एज मोस्ट कॉमन एज है जिसमें ये लाइपोमा डेवलप होता है। अगला पॉइंट, ये जो लाइपोमा है इसका साइट कहाँ है, तो मोस्ट कॉमन आपको बताएं कि स्किन के नीचे होता है, जिसमें हैंड, अपडोमेन, ट्रंक, लेग, ये सब पे सबसे कॉमन साइट होता है, लेकिन कभी कभी भिसरा के अराउंड में भी ये लाइपोमा डेवलप होता है, याद रखना होगा। अब बात करते हैं इसके सिम्टम के बारे में। देखिए मैक्सिमम लाइपोमा में क्या होता है कि सिम्टम पता नहीं चलता है। हाँ, ऐसे क्या होगा जब टच करेंगे तो ओवल शेप का मिलता है, फ्री फॉर्म में मिलता है,
रबरी होता है, यानी इसका कंसिस्टेंसी थोड़ा सॉफ्ट होता है ना। ओवल शेप के मिलते हैं, जेली आपको मिलेगा, हैंड पे मिलेगा, एब्डोमेन पे मिलेगा, है ना, दो दो सेंटीमीटर, पांच सेंटीमीटर, दस दस सेंटीमीटर का, यहां तक बराबर तक हो जाता है इसमें। लेकिन ज्यादातर मोस्टली जो होता है ना, वो एक सेंटीमीटर से लेकर पांच सेंटीमीटर के बीच में ज्यादा मिलता है लाइपोमा, 1-5। और इसका ओवल शेप होता है, इसको प्रेस करने पर जनरली पेन नहीं होता है, इधर उधर वो मूव भी करता है। जब इसको आप मूव कराएंगे तो कभी इधर मूव करेगा, कभी इधर मूव करेगा, इधर मूव करेगा, इधर मूव करेगा, राइट लेफ्ट और सकट। तो इस तरह से क्या होता है कि लाइपोमा आपको मिलेंगे आपको, है ना। ज्यादा क्या अगला क्या होता है कि अगला सिम्टम क्या है कि जब जैसे ज्वाइंट में अगर बाय डेवलप होता है तब पेन हो सकता है इसमें, और अगर नर्व पे अगर डेवलप होता है तब पेन हो सकता है। तो जनरली यह इन्वॉल्वमेंट अगर रहेगा ना नर्व और ज्वाइंट का, तब जाकर के दर्द होता है, ऐसे दर्द नहीं होता है। ऐसे तो बताया ना कि ये पेनलेस होता है, ये छूने पे आपको सॉफ्टनेस भी आवेंगे, ओवल शेप के होते हैं ये। चलिए अब बात करते हैं इसके कॉम्प्लिकेशन पे। लाइपोमा का कोई खास कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बहुत ही रेयर कंडीशन होता है कि लाइपोसार्कोमा में कन्वर्सन होता है या होता है, लेकिन वह बहुत रेयर कंडीशन होती है। लेकिन जनरली क्या होता है कि जिंदगी भर आपको इसी फॉर्म में लाइपोमा रह जाते हैं, ये बेनाइन ट्यूमर के फॉर्म में रह जाता है, इसलिए इसका कोई कॉम्प्लिकेशन देखने को नहीं मिलता है जनरली। अगला कंडीशन, अगर इसमें इंजुरी हो सकता है, मसल्स को ये नर्व को कंप्रेस कर सकता है, ज्वाइंट को डिफॉर्मिटी कर सकता है, ये लाइपोमा में देखा गया है कि ऐसा कभी कभी डिजॉल्व मिल सकता है। अगर बॉडी में अगर अंदर में भीषण ऑर्गन में अगर होता है तो भीषण ऑर्गन को कंप्रेस कर सकता है। नेक्स्ट आते हैं इसका इन्वेस्टिगेशन, लाइपोमा का पता कैसे लगेगा। तो लाइपोमा का पता लगाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है अल्ट्रासोनोग्राफी, जिस ऑर्गन में है वहाँ पे कर सकते हैं, वहाँ पे आपको क्लियर रिपोर्ट में रहेगा लिखा हुआ। दूसरा है सीटी स्कैन, सीटी स्कैन से पता लगा सकते हैं। तीसरा है एमआरआई, एमआरआई से भी आपको पता लग जाएगा लाइपोमा के बारे में। इसके बाद अगला है बायोप्सी, बायोप्सी करने पर आपको लाइपोमा का सेल मिलेगा। इसके बाद आपका अगला है लिपिड प्रोफाइल, लिपिड प्रोफाइल कराने पर हो सकता है कि एलडीएल और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल का लेवल बना रहेगा। अगला है ब्लड शुगर, अगर ब्लड शुगर कराएंगे तो हो सकता है कि बढ़ा हुआ मिलेगा, क्योंकि ज़्यादा ग्लूकोज बढ़ने का कारण भी क्या होता है, फैट का एक्युमुलेशन बढ़ता है। तो ये सब कुछ ऐसे हैं जिसके आप पता लगा सकते हो लाइपोमा के बारे में। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। इसका सबसे बड़ा ट्रीटमेंट तो है कि इसको सर्जिकली रिमूव कर सकते हैं, सर्जिकली रिमूव कर देते हैं। दूसरा है मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में क्या करते हैं इसमें कि फैट फ्री डाइट देते हैं और प्लस एक्सरसाइज रेगुलर करते हैं, इससे क्या होता है कि फैट लाइपोमा धीरे धीरे रिड्यूस होने लगता है। नेक्स्ट आते हैं इसके दवा के बारे में। इसके लिए एलोपैथी दवा तो कुछ नहीं खास है इसमें, लेकिन होम्योपैथी दवा में आता है इसका, जिसमें कि होम्योपैथी दवा चलाते हैं, जैसे कि लेपी सलवा है, फाइटोलाका है, बहुत अच्छी दवा है। उसके बाद हम लोग अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन देख करके हम लोग अलग अलग दवा चलाते हैं, जैसे कभी कभी कलकड़िया फ्लोर भी इसमें काम कर जाता है, कोनियम भी उसके वर्क करते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशनल इसके बारे में जैसा ऐसा मरीज मिलता है हम लोग उसके अनुसार दवा चलाते हैं। तो बाकी बातें आप कॉल करके पूछ सकते हैं या कमेंट्स कर सकते हैं। नेक्स्ट बातें नेक्स्ट वीडियो में चल सकते हैं। नेक्स्ट अगर कोई क्वेश्चन होगा आप जरूर क्वेश्चन करेंगे इसमें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।